A very warm welcome to all of you. आप सबों का सार कॉन्सेप्ट्स में स्वागत है. आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिए गए एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना. इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जितना पॉपुलर है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है. इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट से जुड़े सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एंड ऑफ हिस्ट्री का रियल मीनिंग क्या है. 1989 में कोल्ड वॉर के एंड के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स इस बात को एनालाइज करने में जुड़ गए कि कोल्ड वॉर के एंड का सिग्निफिकेंस क्या है, कोल्ड वॉर का एंड किस बात की ओर इशारा करता है, कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा. इन्हीं बातों को एनालाइज करते हुए, इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करते हुए 1989 में फ्रांसिस फुकुयामा एक आर्टिकल लिखते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री विद क्वेश्चन मार्क. ओके, इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद एक डिबेट की शुरुआत हो जाती है. कुछ लोग फ्रांसिस फुकुयामा के आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनके आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं. फ्रांसिस फुकुयामा के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे ये अभी हम कुछ देर में समझेंगे, लेकिन इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद एंड ऑफ हिस्ट्री को लेकर एक डिबेट की शुरुआत हो जाती है. 1992 में अपने क्रिटिक्स को रिस्पॉन्ड करते हुए और एंड ऑफ हिस्ट्री पर दिए गए अपने ही आर्ग्यूमेंट्स को और अधिक एलाबोरेट वे में और अधिक एनालिसिस और अधिक प्रूफ के साथ प्रेजेंट करते हुए 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा एक बुक पब्लिश करते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. फ्रांसिस फुकुयामा इस किताब में क्या कुछ कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग एंड ऑफ हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, लास्ट मैन का मीनिंग क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सबसे पहले फ्रांसिस फुकुयामा इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब नहीं है. व्हाट एंड ऑफ हिस्ट्री डज नॉट मीन. एंड ऑफ हिस्ट्री ये जो फ्रेज है इसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जुड़ी हैं. सबसे पहले फ्रांसिस फुकुयामा इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं. फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि अब समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा. एंड ऑफ हिस्ट्री डज नॉट मीन एंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एंड ऑफ वॉर. एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब एंड ऑफ इवेंट्स से नहीं है. एंड ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि अब समाज में इवेंट या कोई घटना नहीं घटेगी. तो एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है. ओके, फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इसे आप समझने की कोशिश करें. फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट जिसे आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी भी कह सकते हैं. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उन प्रिंसिपल्स को ढूंढा जाए जिनके बेसिस पर हम सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सके, डिजाइन कर सके. सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, किन प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, इन्हीं प्रिंसिपल्स की खोज करता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट. ओके, बेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम की खोज प्लेटो के वक्त से जारी है. कई थिंकर्स आए, कई फिलोसफीज का जन्म हुआ सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए. सोशलिस्ट ने अपने अल्टरनेटिव प्रेजेंट किए, मार्क्सिस्ट ने अपना अल्टरनेटिव दिया, कैपिटलिस्ट ने अपना अल्टरनेटिव दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हासिल नहीं किया जा सका कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, किसका अल्टरनेटिव बेस्ट है. बट लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग कोल्ड वॉर के एंड के साथ हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया. कोल्ड वॉर का एंड इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी एंड कर देता है और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट की हिस्ट्री की भी एंड हो जाती है. क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट के अंतर्गत हम जिस क्वेश्चन को आंसर करने की जिस क्वेश्चन के आंसर की खोज अभी तक कर रहे थे कि सोसाइटी के लिए बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें अब मिल चुका है. और आंसर क्या है, फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग आंसर है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि कोल्ड वॉर के एंड के बाद ये प्रूव हो गया कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का बेस्ट मॉडल है, बेस्ट अल्टरनेटिव है. जितने भी बाकी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें लिबरल डेमोक्रेसी सबसे सुपीरियर है, ये बात अब प्रूव हो चुका है. और क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन पर डिबेट करने का अब कोई मतलब ही नहीं बनता कि सोसाइटी के लिए बेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है. इस डिबेट का भी यही एंड हो जाता है और इस डिबेट के एंड के साथ हिस्ट्री का भी एंड हो जाता है. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं फ्रांसिस फुकुयामा के. अब बात यह है कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही क्यों,
लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही क्यों बेस्ट है, क्यों ये बाकी सभी अल्टरनेटिव से सुपीरियर है। अब यहां से हमारा डिस्कशन थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, यहां से फ्रांसिस फुकुयामा के फिलोसफी की शुरुआत होगी। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी ही ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन नेचर के बेसिक डिजायर्स को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर के दो फंडामेंटल डिजायर्स होते हैं, और जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इन दो डिजायर्स को सेटिस्फाई करेगा वो बेस्ट होगा। और ये दो डिजायर्स क्या है? पहला डिजायर है डिजायर फॉर मटेरियल गुड एंड वेल्थ, इकोनॉमिक डिजायर, ओके। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल डिजायर है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन बाय अदर, ओके। पहला डिजायर तो सिंपल है, इजी है, डिजायर फॉर मटेरियल गुड एंड वेल्थ, इकोनॉमिक डिजायर। जो दूसरा डिजायर है इसे समझने की जरूरत है, और इसी डिजायर के ऊपर फ्रांसिस फुकुयामा की पूरी फिलॉसफी बेस्ड है, ओके। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार एक इंडिविजुअल के लिए रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नेचर का ये फंडामेंटल डिजायर है रिकॉग्निशन, ओके। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है और क्यों ये इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, इसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एकदम किसी शेफ की तरह, और आपको अपने टैलेंट के बारे में पता है, आपको पता है कि आप एक बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, आपको ये पता है। लेकिन आप जब भी कोई डिश बनाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करते हैं, कोई भी आपके डिश की तारीफ नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई ये नहीं कहता, आपको कैसा फील होगा? आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं होगी। भले आपको पता है कि आप में कुकिंग का टैलेंट है, लेकिन जब तक आपको सामने वाले से रिकॉग्निशन ना मिले, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बिना रिकॉग्निशन के आपका टैलेंट वेस्ट है। ये हर 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 तरह के टैलेंट के लिए ये एप्लीकेबल है। सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आपके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिले, ओके। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे भीतर जो कुछ भी है उस चीज को लोग रिकॉग्नाइज करें, तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है या मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जहां हमने टैलेंट के रिकॉग्निशन की बात की। फ्रांसिस फुकुयामा किस चीज के रिकॉग्निशन की बात करते हैं, ओके? फ्रांसिस फुकुयामा टैलेंट के रिकॉग्निशन की बात नहीं करते, वो किसी और चीज के रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो वो क्या चीज है? देखिए, हर ह्यूमन बीइंग में क्या कॉमन है? डिग्निटी, मतलब योर वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आप में कुछ वैल्यू है, आपका कुछ डिग्निटी है, और ये डिग्निटी, ये वैल्यू हर किसी के लिए कॉमन है, ओके? और ये डिग्निटी, ये वैल्यू तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक सामने वाला आपके डिग्निटी और आपके वैल्यू को रिकॉग्नाइज ना करें, ओके? आप में डिग्निटी है, आपका वैल्यू, आपको पता है कि आप में डिग्निटी, आपका वैल्यू है, लेकिन ये डिग्निटी और ये वैल्यू तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक सामने वाला ये रिकॉग्नाइज ना करे कि हाँ, आप में डिग्निटी है, आपका वैल्यू है, आपका वर्थ है, ओके? तो ह्यूमन बीइंग के पास सिर्फ डिग्निटी का होना सफिशिएंट नहीं है। ह्यूमन बीइंग हमेशा ये चाहेगा कि उसके चारों ओर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी उसके डिग्निटी को, उसके वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें। तो ये दो बेसिक ह्यूमन डिजायर्स हैं। पहला डिजायर तो कैपिटलिस्ट सिस्टम आसानी से फुलफिल कर सकता है। कैपिटलिज्म का मतलब ही है इकोनॉमिक फ्रीडम का होना, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का होना, जिसके मदद से आप जितने चाहे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ओके? इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करना कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना जहां पर रिकॉग्निशन का हमारा डिजायर, हमारा जो बेसिक डिजायर है वो फुलफिल हो सके, ओके? फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल नीड है, जो रिकॉग्निशन का जो नीड है, हमारा फंडामेंटल नीड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिबरल डेमोक्रेसी ही फुलफिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक लिबरल डेमोक्रेसी में ही फुलफिल किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन बीइंग होने के वैल्यू के रिकॉग्निशन का डिजायर, इसे सिर्फ और सिर्फ एक लिबरल डेमोक्रेसी में फुलफिल किया जा सकता है। ये आर्ग्यूमेंट है फ्रांसिस फुकुयामा का। अब फ्रांसिस फुकुयामा के सामने चैलेंज है कि वो किस तरह अपने इस बात को, अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करें, ओके? अब फ्रांसिस फुकुयामा के सामने ये चैलेंज है कि उन्हें अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना है कि कैसे लिबरल डेमोक्रेसी ह्यूमन बीइंग के रिकॉग्निशन के डिजायर को फुलफिल करता है।
एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए तीन फिलोसोफर्स का सहारा लेते हैं. हीगल, आपको याद रखना है, फ्रांसिस फुकुयामा अपने अपने इन आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए तीन फिलोसोफर्स का सहारा लेते हैं. हीगल, प्लेटो और अलेक्जेंडर कोचेफ, तीन फिलोसोफर्स. एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट फ्रांसिस फुकुयामा हीगल से बोरो करते हैं. हीगल ही वो पहले फिलोसोफर थे. हीगल ने ही सबसे पहले कहा था कि अगर ह्यूमन बीइंग एक ऐसे सिविलाइजेशन को बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है जिस सिविलाइजेशन में उनके सभी फंडामेंटल डिजायर सेटिस्फाई हो सके, तो ये सिविलाइजेशन हिस्ट्री के एंड को मार्क करेगा. मतलब इस सिविलाइजेशन से बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेटर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके ओके, अब प्रश्न है कि कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी ही वो सिविलाइजेशन कैसे है. इस बात को प्रूव करने के लिए फ्रांसिस फुकुयामा प्लेटो के थाइमोस के कॉन्सेप्ट को बोरो करते हैं. ओके, लिबरल डेमोक्रेसी ही वो बेस्ट सिविलाइजेशन है, वो बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर है, बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां ह्यूमन बीइंग के रिकॉग्निशन का डिजायर फुलफिल हो सकता है. इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए फ्रांसिस फुकुयामा प्लेटो के थाइमोस के कॉन्सेप्ट को बोरो करते हैं. थाइमोस, थाइमोस का मतलब होता है डिजायर. ओके, थाइमोस का मतलब होता है डिजायर. और प्लेटो के अकॉर्डिंग दो तरह के डिजायर होते हैं, दो तरह के थाइमोस होते हैं. पहला है मेगालोथीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसे समझिएगा. पहला है मेगालोथीमिया. जिन लोगों में मेगालोथीमिया का थाइमोस होगा, वे लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहेंगे. मेगालोथीमिया का डिजायर आपको कंपेल करेगा ऐसे काम करने के लिए जो कि यूनिक हो, डिफरेंट हो, बड़ा हो, ग्रेट हो. और जिन काम को करके आप ये प्रूव कर सके कि आप बाकियों से अलग है, ग्रेट है, सुपीरियर है, मेगालोथीमिया आपको नेपोलियन, सीजर जैसे एम्बिशियस लोगों के भीतर मिलेगा जो डोमिनेट करना चाहते हो. ओके, मेगालोथीमिया ये डोमिनेट करने का डिजायर आपके अंदर उत्पन्न करता है. ये आपको एक मास्टर मेंटालिटी देता है. आपको लगता है कि अगर आपके अंदर मेगालोथीमिया है तो आपको लगेगा कि आप बाकियों से सुपीरियर हो और इसलिए आप उनके ऊपर रूल कर सकते हो. इट इज अ डिजायर टू रूल, मेगालोथीमिया. दूसरा है, दूसरा जो थाइमोस है, दूसरा सेकंड टाइप ऑफ थाइमोस है आइसोथीमिया. मेगालोथीमिया के डिजायर के विपरीत आइसोथीमिया का डिजायर एक सिंपल इक्वालिटी को डिजायर करता है. ये कैसा डिजायर है? ये वो डिजायर है जो इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी को डिमांड करता है. यहां पर व्यक्ति किसी के ऊपर डोमिनेट करना नहीं चाहता. जिसमें आइसोथीमिया हो वो व्यक्ति किसी के ऊपर डोमिनेट करना नहीं चाहता, वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना नहीं चाहता. यहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि लोग एक दूसरे के डिग्निटी को, एक दूसरे के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे के ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करें. ये डिजायर है सेमनेस का डिजायर, यूनिफॉर्मिटी का डिजायर. ना तो कोई इन्फीरियर होगा और ना तो कोई सुपीरियर होगा. ना ही हम किसी के ऊपर रूल करना चाहते हैं और ना ही हम किसी के ऊपर किसी के द्वारा रूल्ड होना चाहते हैं. ओके, ये इक्वालिटी का डिजायर है आइसोथीमिया. ये कैसा डिजायर है, कैसा थाइमोस है? इक्वालिटी का थाइमोस. इक्वालिटी के इस डिजायर को स्लेव मेंटालिटी भी कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं? स्लेव मेंटालिटी. क्योंकि यहाँ पर जो डिजायर है वो बहुत बेसिक है. बस आप क्या डिमांड कर रहे हैं, आप इक्वल रिकॉग्निशन का डिमांड कर रहे हैं. और अगर व्यक्ति का इक्वल रिकॉग्निशन मिल गया तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा. वो कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं चाहता, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई ग्रेट, कोई वर्क करना नहीं चाहता. फॉर उनकी तुलना जिनमें मेगालोथीमिया हो, जैसे वो चाहते हैं ग्रेट वर्क करना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क करना नहीं. जिनमें आइसोथीमिया होगा, वो अगर उनका बेसिक डिजायर जो है वो इक्वल रिकॉग्निशन का वो फुलफिल हो गया तो ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे. ओके, इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटे तो आप देखेंगे कि समाज में हमेशा से दो तरह के लोग रहे हैं. एक जिनमें मेगालोथीमिया हो और एक जिनमें आइसोथीमिया हो. एक जो रूल करना चाहते हैं और दूसरा जो कि एक जो रूल करना चाहते हों, डोमिनेट करना चाहते हों, और एक जो इस रूल, इस डोमिनेंस को रेजिस्ट करना चाहते हों. ओके, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इन्हीं दो थायमोटिक पैशंस, इन्हीं दो थायमोटिक डिजायर्स के बीच होने वाले स्ट्रगल, होने वाले संघर्ष की कहानी है. हिस्ट्री का मोटर क्या है, मतलब हिस्ट्री को आगे क्या बढ़ाता है? मास्टर और स्लेव का ये कॉन्फ्लिक्ट ही हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है. मास्टर डोमिनेट करना चाहता है, लोगों को सबॉर्डिनेट करना चाहता है, और स्लेव कभी भी अपने सबॉर्डिनेट पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. स्लेव कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो इन्फीरियर है और सामने वाला सुपीरियर है.
स्लेव मेंटालिटी के लोगों को, दैट मीन्स जिनमें आइसोथीमिया है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें इक्वल रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए वो मास्टर के डोमिनेंस को हमेशा चैलेंज करते हैं, उनके विरुद्ध विद्रोह करने, रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस मास्टर स्लेव के कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो गया तो समझिए हिस्ट्री का भी एंड हो गया। अगर मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के बीच स्ट्रगल का एंड हो गया, मतलब हिस्ट्री का भी एंड हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी में वो एबिलिटी है कि वो इस स्ट्रगल को एंड कर सके। लिबरल डेमोक्रेसी इस स्ट्रगल के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखिए, लिबरल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल फ्रीडम और पॉलिटिकल इक्वालिटी के वैल्यू पर बेस्ड होती है। यहाँ पर कोई भी रूलर या रूल नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल। यहाँ लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, यहाँ लोग खुद अपने रूलर होते हैं और खुद अपने द्वारा ही रूल्ड होते हैं। यही डेमोक्रेसी का मतलब है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है इक्वल सिटीजनशिप। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है इक्वल सिटीजनशिप, मतलब पॉलिटिकल एरिना में, पॉलिटिकल फील्ड में हर कोई इक्वल है। कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, हर कोई इक्वल है। हर कोई के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है। हर किसी के पास एक वोट है और हर वोट का वैल्यू इक्वल है, चाहे वो कोई एक बिलियनियर हो या कोई एक सिंपल डेली वेज अर्नर हो, सिंपल वर्कर हो। इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल पॉलिटिकल राइट। ओके, ये जो दो बातें हैं, इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल पॉलिटिकल राइट, इंडिविजुअल के इक्वल रिकॉग्निशन के डिजायर को सेटिस्फाई करता है। और हमने देखा कि इक्वल रिकॉग्निशन का डिजायर, दैट मींस आइसोथीमिया, ह्यूमन नेचर का फंडामेंटल डिजायर है। तो लिबरल डेमोक्रेसी अपने इक्वल सिटीजनशिप के प्रोविजन के द्वारा, अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट के प्रोविजन के द्वारा हर इंडिविजुअल के डिग्निटी को, हर इंडिविजुअल के वैल्यू को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो लिबरल डेमोक्रेसी में आपके इंडिविजुअल डिग्निटी, आपके इंडिविजुअल वैल्यू को रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल पॉलिटिकल राइट के प्रोविजंस के द्वारा। और इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है। यहाँ पे आपका आइसोथीमिया का डिजायर, आपका इक्वल रिकॉग्निशन का डिजायर फुलफिल हो पा रहा है। तो हमने देखा कि लिबरल डेमोक्रेसी मेगालोथीमिया को सप्रेस करता है और आइसोथीमिया के डिजायर को प्रमोट करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके, लेकिन मान लीजिए कि अभी भी समाज में कुछ लोग हैं जिनमें मेगालोथीमिया कायम है, जो डोमिनेट करना चाहते हैं, जिनमें डोमिनेट करने का डिजायर, सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने का डिजायर अभी भी कायम है, तो इन लोगों का क्या? अगर लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जिनमें मेगालोथीमिया अभी भी है, तो इन लोगों का क्या? लिबरल डेमोक्रेसी इन मेगालोथीमिया से भरे लोगों से कैसे डील करता है? देखिए, इनके लिए भी लिबरल डेमोक्रेसी एक आउटलेट प्रोवाइड करता है। आउटलेट बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको अपने मेगालोथीमिया के डिज़ायर को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो इनके लिए लिबरल डेमोक्रेसी एक आउटलेट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा जगह जहाँ ये अपने मेगालोथीमिया को सेटिस्फाई कर सके। और ये आउटलेट क्या है? ये जगह क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमिक फील्ड में कोई इक्वालिटी नहीं है। यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। यहाँ आप अपने फ्रीडम को यूज करके जितना चाहे वेल्थ अर्न कर सकते हैं, औरों से आगे निकल सकते हैं, और वेल्थ के मामले में अपने आप को आप सुपीरियर प्रूव कर सकते हैं, अपने मेगालोथीमिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में नहीं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है लिबरल डेमोक्रेसी। इस तरह से लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है। ओके, ये फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं। अब हम कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि क्या एंड ऑफ हिस्ट्री एक अच्छी खबर है? क्या एंड ऑफ हिस्ट्री का होना एक अच्छा डेवलपमेंट है? फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है एंड ऑफ हिस्ट्री एक अच्छा डेवलपमेंट हो। ये ज़रूरी नहीं है। हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ हिस्ट्री लास्ट मैन को भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ऑफ हिस्ट्री में ये टेंडेंसी है कि लास्ट मैन को वो प्रोड्यूस करे। लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा के किताब का टाइटल यही है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो ये लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये लास्ट मैन कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा लास्ट मैन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये फ्रेडरिक नीचे से बोरो करते हैं। ये भी बात आपको जानना है, लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट फ्रांसिस फुकुयामा फ्रेडरिक नीचे से बोरो करते हैं। लास्ट मैन वो है जो सिर्फ बेसिक इक्वल राइट और सिंपल मटेरियल कॉम्फर्ट से सेटिस्फाई हो जाता हो, जिसे बस बेसिक इक्वल राइट चाहिए और सिंपल मटेरियल नीड्स फुलफिल होना चाहिए, इतने में वो सेटिस्फाई हो जाता है। ये लास्ट मैन का डेफिनेशन है। लास्ट मैन वो है
जिसे इक्वालिटी बहुत प्यारा है, जिसे इक्वालिटी चाहिए, ओके, जो इक्वालिटी को परस्यू करता है, जिसे इक्वालिटी चाहिए, एक्सेलेंस को नहीं, ओके, वो इक्वालिटी को परस्यू करता है। पॉलिटिकल फील्ड में इक्वालिटी को अचीव करके हम एंड ऑफ हिस्ट्री को अचीव कर सकते हैं, ये बात आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड में जब आपने इक्वालिटी को अचीव कर लिया तो आपने एंड ऑफ हिस्ट्री को अचीव कर लिया। लेकिन जो लास्ट मैन है वो क्या चाहेगा कि पॉलिटिकल फील्ड के अलावा बाकी जितने भी फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का फील्ड, हर जगह इक्वालिटी हो, कहीं भी कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं हो। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इस कंडीशन, फ्रांसिस फुकुयामा हमें इस कंडीशन से वार्न करते हैं। वो कहते हैं कि इक्वालिटी के क्वेस्ट को, इक्वालिटी के डिज़ायर को हमें सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड तक सीमित रखना है। अगर हर जगह हम इक्वालिटी चाहेंगे तो समाज एक एक स्टैंड स्टिल में आके रुक जाएगा। अगर हर जगह हम इक्वालिटी चाहेंगे तो समाज में किसी तरह का कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट, कोई इनोवेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री को अचीव करना सही है, लेकिन हमें सोसाइटी में लास्ट मैन को प्रोड्यूस नहीं होने देना चाहिए। ये फ्रांसिस फुकुयामा के आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री और लास्ट मैन का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।